नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। गाजर से तो हम अनेक प्रकार की चीजें बनाते हैं, जैसे गाजर का हलवा, गाजर की बर्फी, लेकिन आज हम गाजर का मालपुआ बनाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनके तैयार हो जाता है और खाने में तो पूछिए मत ये कि कैसा लगता है। ट्राई कीजिए, चलते हैं इसे बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोस को लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। गाजर का मालपुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी गाजर लिया है। गाजर को मैंने छील के अच्छे से धो लिया है, उसके बाद मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 3 मीडियम साइज का गाजर लिया है यहाँ पे मैंने। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। गाजर को मैंने अच्छे से पीस लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार हुआ है और ना ही इसमें गाजर के एक भी बड़े पीसेस हैं। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, साथ ही हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से हमारे मालपुए में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने 5 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है और मैंने नॉर्मली उसी चम्मच का इस्तेमाल किया है जो हम अपने घर में करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। 5 चम्मच मैंने मैदा इसमें डाला है। सभी चीज़ों को लगातार चलाते हुए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमारा मिश्रण थोड़ा सूखा लगेगा तो हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे बाद में। तो लगातार चलाते हुए हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बैटर हमारा बिल्कुल सही तैयार हुआ है, इसमें दूध की ज़रूरत नहीं है। बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी प्रकार की थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए। ये देखिए, 1 पिंच हम इसमें डालेंगे फूड कलर। ये ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। दोबारा से हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे जब भी हम मालपुआ बनाते हैं तो थोड़ा उसमें टाइम लगता है, क्योंकि हम मालपुए का जो घोल है उसे तैयार करके 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखते हैं, उसके बाद हम मालपुआ बनाते हैं। लेकिन इस घोल को हमें रेस्ट करने के लिए रखने की जरूरत नहीं होती है। बस इस घोल को तैयार कीजिए और फटाफट इससे मालपुए बनाइए। 1 मिनट हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे एक तरफ रख देंगे और मालपुआ के लिए चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, इलायची पाउडर से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। 1 कटोरी चीनी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चीनी लिया है। उसी कटोरी से हम 1 कटोरी पानी डालेंगे। इसमें चीनी घुलने तक बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। पानी में उबाल आ गया है, अभी थोड़ा सा इसमें चीनी खड़ा खड़ा दिख रहा है। चाशनी को हम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है, हाई फ्लेम पे हम इसे 4-5 मिनट पकने देंगे। 2 इलायची मैंने दरदरा कूट के डाला है। इलायची डालने से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसकी चाशनी थोड़ी गाढ़ी ही होती है, जैसे कि गुलाब जामुन की हम चाशनी बनाते हैं वैसे ही इसकी चाशनी की कंसिस्टेंसी होती है। चाशनी हमारी अच्छी गाढ़ी हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक तरफ ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब तक हमारी चाशनी ठंडी हो रही है, तब तक हम मालपुए को तल के तैयार कर लेते हैं। मालपुए को तलने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब हम थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर लेंगे कि तेल हमारा अच्छे से गरम हुआ है कि नहीं। ये देखिए, तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। इसके लिए हमें मीडियम गरम तेल चाहिए। अब हम कलछी में थोड़ा सा घोल लेंगे और इस प्रकार से कढ़ाई के बीच में एक जगह डालते जाएंगे। मालपुए का साइज आप अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि आप इसे धीमी आंच पे बिल्कुल भी मत तलिएगा, नहीं तो ये अंदर बहुत ज़्यादा तेल सोख लेगा और कढ़ाई के तले से चिपक जाएगा अगर इसका तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा। जब तक कि हमारा मालपुआ नीचे से हल्का सा सिकेगा नहीं, तब तक हम इसे नहीं पलटेंगे। ये नीचे से सिक चुका है, अब हम इसे हल्के हाथ से पलट लेंगे। इसको हम साइड में कर देते हैं और एक और मालपुआ इसमें हम डाल देते हैं। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से थोड़ा सा फैला भी सकते हैं। एक मालपुआ हमारा अच्छे से सिक गया है, अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसी प्रकार से एक एक करके हम सभी मालपुए को अलट पलट के दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम गरम तेल डालेंगे, इससे क्या होगा कि ऊपर से भी ये अच्छे से फूल जाएगा। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो इस मालपुए को तलने के लिए आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा।
बहुत ही आसानी से आप इसे बना पाएंगे और बिल्कुल भी ये मालपुआ चिपकेगा नहीं। हमने जो इसमें कलर डाला था उसकी वजह से इस मालपुए का बहुत ही अच्छा कलर आया है। थोड़ी देर हम इस प्रकार से इसे रोक लेंगे कढ़ाई के कॉर्नर पे, ताकि जितना एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में वापस चला जाए। अब हम तैयार मालपुए को चाशनी में डाल देंगे। इसे डालने से पहले ध्यान रखिएगा कि जो चाशनी है वो हल्की से हमारी गर्म होनी चाहिए, क्योंकि अगर चाशनी ठंडी हो जाएगी तो इसके अंदर अच्छे से जाएगी नहीं, इसलिए हल्का सा हमें चाशनी को गर्म ही रखना है। चाशनी में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट तक इसे चाशनी में डुबो के छोड़ देंगे, ताकि मालपुआ हमारे चाशनी को अंदर तक अच्छे से सोख ले। 10 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसे सर्व करने के लिए चलते हैं। ये देखिए, देखने में इतना स्वादिष्ट लग रहा है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम पिस्ता से गार्निशिंग कर देते हैं, ताकि ये देखने में और अच्छा लगे और आप भी इसे देख के खाए बगैर रह ना सके। मालपुए की इस रेसिपी को आप भी इस वाले ट्राई कीजिए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए मुझे। तब तक के लिए बाय बाय।